भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव की पाकिस्तान के मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा के केंद्र में भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बयान हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के दौर में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने भारत पर टिप्पणी की। 25 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। फवाद चौधरी ने इन तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए लिखा, शांति और सद्भाव नफरत और अतिवाद की ताकतों को हरा दे। वहीं फवाद के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट्स की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। फिर फवाद चौधरी ने इस पर जवाब दिया, सीएम साहब, चुनाव आपका ही मुद्दा है। भारत हो या पाकिस्तान, अतिवाद की कोई सीमा नहीं होती। जिसकी भी अंतरात्मा होगी वो इसे सही नहीं कहेगा। पाकिस्तान में स्थिति आदर्श नहीं है, पर हर किसी को बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। केजरीवाल और फवाद के बीच हुए इस संवाद को बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल के लिए वोट करने की अपील पाकिस्तान से की जा रही है। वैसे बयानबाजी का ये इकलौता मामला नहीं है। फवाद चौधरी हों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हों या फिर पूर्व नौकरशाह, भारतीय चुनाव में पाकिस्तान और पाकिस्तान में भारतीय चुनाव की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर खबरें कर रहा है। 10 मई को एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 1947 में अपना देश हमसे ले लिया, अब वो करें अपना अच्छा, वो अपनी दो वक्त की रोटी खा लें, बस हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने शेयर किया और लिखा, इसमें पाकिस्तान का भला ही छिपा है, सब्र रखिए, भारत को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है। अगर मोदी दोबारा चुने जाते हैं तो वो अपने ही बयान वापस ले लेंगे, सब्र कीजिए और देखिए। पाकिस्तान के कुछ मीडिया समूहों में भारतीय चुनावों पर रिपोर्ट्स की गई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके शोधकर्ता नोमान माजिद ने डॉन न्यूज के लिए एक लंबा लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है, भारत के चुनाव में मुसलमानों से जुड़े सवाल। इस लेख के मुताबिक 2019 में बीजेपी आरएसएस कह रहे थे कि हम घुस के मारेंगे, 2024 में वो भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया करार दे रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन बयानों का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को आपकी संपत्ति दे देगी। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि रह चुकी मलीहा लोदी ने भी एक विश्लेषण लिखा है। इस लेख में मलीहा ने पीएम मोदी के उन बयानों का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने वोट जिहाद जैसी बातें कही थी। मलीहा लोदी लिखती हैं, अगर मोदी सत्ता में लौटते हैं तो ये नजरिया भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ज्यादा खराब कर सकता है। कुछ कह सकते हैं कि मोदी के पाकिस्तान पर की गई बयानबाजी चुनावी राजनीति का हिस्सा है, मगर कही गई बातों के अंजाम होते हैं।